जी का प्लीज जोरदार तालियां। अच्छा दोस्तों, जब हम कहते हैं वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, तो एक ही आवाज़, एक ही नाम हम सबके जहन में आती है, वो लता जी के नाम। स्वयं सरस्वती माँ हमारे बीच इस मंच पर है। लता जी है हर्षित और रश्मित, और दोनों शायद फैसले भी से भी ज़्यादा इस मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे जब आपका साक्षात उन्हें दर्शन हो और आप यहाँ आई हैं। आई थिंक उनका सपना ही क्या, जिंदगी ही सफल हो गया। शान भैया, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य और हमारे अमृत स्टार वॉइस ऑफ इंडिया के सौभाग्य है कि आज लता जी यहाँ पे हैं। और लता जी आज यहाँ पे, उनकी उपस्थिति, उनको मैं गाना सुनाऊँगा अपना, यही मेरे लिए जीत है। मुझे वॉइस ऑफ इंडिया का टाइटल भी इससे आगे कुछ नहीं लगता। और मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज लता जी आज आई हैं, इससे बड़ा ड्रीम किसी भी सिंगर के लिए नहीं हो सकता और पूरे इंडिया के लिए नहीं हो सकता कि लता जी आई हैं और आज उनका आशीर्वाद हमें मिला है। बस उम्मीद करता हूँ कि जो गाना मैं उनके सामने गाऊँगा वो अच्छा हो जाए। बाकी आज जीत हार की कोई टेंशन नहीं है, आज उनका आशीर्वाद मिल गया, यही सबसे बड़ी जीत है। आप लोग जो भी गाएंगे वो अच्छा ही होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। और यहाँ जितने जजेस हैं और शान हैं, ये लोग सब सुरीले लोग हैं, म्यूज़िक जानते हैं और अपने काम में वो माहिर हैं। उन्होंने आपको चुना है और यहाँ तक लाया है, तो मुझे यकीन है कि आप अच्छा ही गाएंगे और भगवान आपको इसमें कामयाबी दे। मैं जानती हूँ कि इसमें एक को जाना पड़ेगा और एक आएगा, क्योंकि जनता की जो जनता जो निर्णय लेगी वो निर्णय होगा, पर उसे आप अपनी हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, गाते जाइए और रियाज कीजिए, सीखिए और आगे का इंतज़ार कीजिए। ये मंजिल आखिरी मंजिल नहीं है, आगे मंजिलें बहुत हैं। जी, आपकी ये शब्द, आपकी ये प्रेरणा इनके लिए बहुत बहुत बहुत, इनके बहुत काम आएंगे। हमारे सारे जो बाकी के आवाज़ें हैं, जो भी यहाँ मौजूद गाने में जो रुचि रखते हैं, संगीत से जिनका एक लगाव है, उनके लिए ये मुहूर्त, ये वक्त बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है। आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं वो तो ठीक है, मैं तो आपके पिताजी को भी जानती थी, मैंने उनके गाने भी गाए हैं और आपने उनका आगे नाम रखा है, मैं आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देती हूँ। आज भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आके आपसे बात ही नहीं कर सकी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नमस्कार। आज मैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका तो कोई सवाल नहीं है, पर आज ये दोनों के लिए मैं एक स्वरांजलि की तरफ से घड़ियां लेके आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छी लगेंगी। स्वरांजलि हमारा ब्रांड है डायमंड ज्वेलरी का, उसमें बहुत लोग हैं और सब ने बैठ के तय किया कि हम लोग ये दोनों गाने वालों को कुछ ना कुछ देंगे, तो मैंने घड़ी पसंद की, मैंने और उषा ने, हम दोनों ने बैठ के उसका डिज़ाइन किया और उसके अंदर म्यूज़िकल की डाली है ताकि म्यूज़िक के साथ उसका संबंध हो, तो मुझे यकीन है कि सबको अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लता जी ने स्वयं इन घड़ियों को डिज़ाइन किया है, तो इन घड़ियों में बस सुरीला वक्त ही हो सकता है जो मिला है रश्मित और हर्षित को। चाहेंगे लता जी आप खुद उन्हें ये घड़ियां फेर, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। ये देखिए वॉइस ऑफ इंडिया का टाइटल, ये हमारे लिए वॉइस ऑफ इंडिया का टाइटल है और ये हम लोग को मिल गया है। अब कोई भी जीते कोई भी हारे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, हार जीत तो होती रहती है,
उसे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगी कि गाता ही रहे आदमी, बस अगर गाना ही उसकी मंजिल है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आप ज़रूर गाइए, भगवान आपकी बहुत सहायता करेगा और मेरा आशीर्वाद है आप दोनों को। बहुत 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 शुक्रिया लता जी। और देखा जाए तो इश्मित और हर्षित को अपने इस वॉइस ऑफ इंडिया के अंजाम में लता जी के दर्शन हुए। हमारे ये जो बच्चे हैं छोटे उस्ताद के कॉम्पिटिशन में शामिल हुए हैं, they've already got Lataji's blessings at such a young age and such a wonderful time. Wish you all the very best. बहुत खुशी हुई आप सब से मिलके, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों once again, जोरदार तालियां। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि लताजी स्वयं यहाँ आएंगी और हिंदुस्तान का फैसला